क्या आप भारत के उस पवित्र स्थल के बारे में जानते हैं जहां हिंदू मुस्लिम जाकर एक जगह प्रार्थना करते हैं, जहां समंदर की लहरें भी आकर नतमस्तक हो जाती हैं? हम बात कर रहे हैं मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह की, जहां समंदर की लहरें चाहे कितनी भी उफान पर हों लेकिन यह दरगाह कभी नहीं डूबती। आइए जानते हैं इस दरगाह के ना डूबने के पीछे का राज। मक्का यात्रा के दौरान ही हाजी अली की मौत हो गई। कहा जाता है कि हाजी अली की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफनाया ना जाए। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि उनके पार्थिव शरीर को एक ताबूत में रखकर पानी में बहा दिया जाए। परिवार ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन चमत्कार हुआ और वह ताबूत तैरता हुआ मुंबई आ गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक पानी में रहने के बाद भी ताबूत में एक बूंद पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना के बाद ही हाजी अली की याद में मुंबई में हाजी अली की दरगाह का निर्माण किया गया। कहते हैं कि समंदर के बीचों बीच होने के बाद भी दरगाह में लहरें जाने से कतराती हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित बाबा हाजी अली बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग बाबा से मन्नत मांगने आते हैं। ये खूबसूरत और भव्य दरगाह मुंबई के बीचों बीच बनी हुई है, जिसकी देख रेख सुन्नी समूह के बरेलवी संप्रदाय द्वारा की जाती है। चलिए जानते हैं इसका इतिहास और कुछ खास बातें। दरअसल बाबा हाजी अली और अपने भाई और माता की अनुमति से भारत के मुंबई के वर्ली इलाके में रहने आए थे। वहीं जब उनके भाई अपने मूल निवास स्थान पर वापस जाने लगे, तब उन्होंने उसे मां के नाम एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि मैं अब स्थायी रूप से यहीं पर रहूंगा और इस्लाम का प्रचार प्रसार करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। बता दें कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक लोगों को इस्लाम की शिक्षा दी थी। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा। इस दरगाह की स्थापना सन 1631 ईस्वी में की गई थी। इसका निर्माण हाजी उस्मान रंजीकर, जो तीर्थयात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज के मालिक थे, उन्होंने करवाया था। बताया जाता है कि हाजी अली बहुत धनी थे, जिन्होंने मक्का तीर्थ यात्रा से पहले सारा धन त्याग दिया था और मक्का यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर एक ताबूत में था, जो बहते हुए मुंबई वापस आ गया। एक मान्यता यह भी है कि बाबा हाजी अली की मृत्यु दरगाह स्थल पर डूब जाने से हुई थी, इसलिए उनके समर्थकों ने यहाँ दरगाह बनाई थी। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यह दरगाह 4500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जिसके अंदर स्थित दरगाह जरीदार, लाल और हरी चद्दर से ढकी रहती है। वही दरगाह के मुख्य हाल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के 99 जगहों पर अल्लाह नाम भी लिखा गया है। कहा जाता है कि ये दरगाह काफी चमत्कारिक भी है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब 26 जुलाई 2005 को मुंबई में आई भयंकर बाढ़ से कई हिस्सों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह सुनामी के दौरान जब लाखों लोग मारे गए थे तो दरगाह, जो कि समुद्र के मध्य में स्थित है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।